क्वेश्चन है, अ मशीन इज ड्राइवन बाय 100 kg मास दैट फॉल्स 8 meter इन 4 seconds. तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें उस क्वेश्चन को सीधे सीधे उसको वैल्यूज क्या दिए हैं वो समझना है और उसी हिसाब से हमें लिखते चलना है. सो नाउ अ मशीन इज ड्राइवन बाय 100 kg मास. तो मशीन किस मास को ड्राइव कर रहे हैं, 100 kg मास. तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन निकालते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मास दिया है. तो मास की वैल्यू लिख लेते हैं हम 100 kg दैट फॉल्स 8 meter. ये क्या हुआ हमारा डिस्टेंस, 8 meter डिस्टेंस गिवन है इन टाइम 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर. ठीक है, टाइम इज गिवन 4.0 सेकेंड. इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ मास 500 kg. अब यदि ये 500 kg के लोड को लिफ्ट करती है वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर लोड भी आपको दिया है. लोड कितना दिया आपको, लोड इज गिवन 500 kg. क्लियर. एंड टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 meter per second square. जी यानी कि एक्सेलरेशन हो गया आपका, ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन, तो 10 meter per second square हो गया. अब यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है द फोर्स एग्जर्टेड बाय फॉलिंग मास. देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मास इज गिवन यहाँ पर 100 kg, एक्सेलरेशन आपको दिया है जी इज इक्वल टू 10 meter per second square. तो यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने, हो गया आपका यहाँ पर 1000 newton. तो यहाँ पर आपका फोर्स आ जाता है 1000 newton, जो कि पहला आंसर आपका आ गया. ठीक है, फर्स्ट वन हमने कर लिया. यहाँ पर सेकेंड करते हैं, द वर्क डन बाय द फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 meter. कितना वर्क डन किया गया जब वो मास गिर रहा है 8 meter डिस्टेंस पर. तो बहुत ही आसान हो गया, W हो जाता है, वर्क डन हो जाता है आपका फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना आ गया था हमारा 1000 newton और डिस्प्लेसमेंट कितना हमारे पास 8 meter. तो वर्क डन हो गया आपका 8000 joule. तो बहुत आसानी से आप वैल्यूज को पुट करते जाओगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आता जाएगा. नाउ सी द पावर इनपुट टू मशीन. पावर इनपुट क्या है, तो यहाँ पर देखो पावर इनपुट के लिए हमें क्या निकालना है. पावर इनपुट हो जाएगा आपका, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वही हम निकाल लेंगे यहाँ पर. पावर इनपुट इक्वल्स वर्क डन ऑन मशीन बाय टाइम. ठीक है, वर्क डन कितना आ गया हमारा 8000 joule, राइट. और टाइम यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, टाइम दिया है हमें 4 सेकेंड, राइट. तो 4 सेकेंड से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो पावर की वैल्यू आ जाती है हमारी 4 × 8 = 2000. और पावर का यूनिट होता है वॉट, तो हमने लिख दिया 2000 वॉट, राइट. नेक्स्ट करते हैं द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन, कि मशीन पे हमने कितना काम किया. पावर इनपुट आ गया था हमारा 2000 वॉट, अब हमें निकालना है पावर आउटपुट. तो पावर आउटपुट कितना होगा, हमें ईटा का फार्मूला पता है. ईटा इक्वल्स होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, राइट. ईटा कितना दिया आपका 60%. 60% को मैं लिख सकती हूँ 0.6 इज इक्वल टू हो जाता है पावर आउटपुट जो आपको निकालना है अपॉन पावर इनपुट हमारा है 2000 वॉट, राइट. तो पावर आउटपुट आ जाएगा आपका 2000 × 0.6, 6 × 12. तो ये 12000 आया, एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, यानी कि पावर आउटपुट कितना आ गया आपका, पावर आउटपुट इक्वल है आपका 1200 वॉट के. ये आपकी फोर्थ आंसर आ गया जो कि पावर आउटपुट आपसे पूछा है. फिर आपसे पूछा है द वर्क डन बाय मशीन इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में मशीन ने कितना काम किया में. तो ये मेरा फिफ्थ आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पावर आउटपुट, क्योंकि मशीन का है ना, मशीन ने कितना काम किया. तो पावर आउटपुट होता है आपका वर्क डन बाय मशीन. ठीक है, इनपुट के लिए हमने वर्क डन ऑन मशीन किया था अपॉन टाइम. ठीक है, अब हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन आ जाएगा आपका पावर आउटपुट मल्टीप्लाई टाइम. पावर आउटपुट कितना हमारा 1200 वॉट, राइट. और मल्टीप्लाई पूछा आपसे 4 सेकेंड में, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4800 जूल. तो ये आपका जो है लास्ट आंसर आ जाता है कि वर्क डन बाय द मशीन इन 4 सेकेंड. क्लियर हो गया, आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, देखते रहिए चैनल. और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना. थैंक यू.